नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आज है गुरुवार। ये उपाय जो मैं बता रही हूँ, आप किसी भी गुरुवार को करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो मत। गुरुवार का जो दिन है, ये भगवान विष्णु का दिन है, ये दिन गुरु बृहस्पति का दिन है। गुरुवार के दिन आप कोई भी उपाय हल्दी से करें, पीले रंग के धागे का करें, पीली कोई भी चीज यदि आप अपनी लाइफ में एंटर करते हैं गुरुवार के दिन, चाहे पीले रंग के कपड़े पहने, हल्दी का तिलक करें, हल्दी का दान करें, घर में हल्दी लाए, तमाम प्रकार के जो भी उपाय हैं जो पीले रंग से जुड़े हैं, ये आपके भाग्य की वृद्धि करता है, आपको सौभाग्यशाली बनाता है, किस्मत को जबरदस्त रूप से चमका देता है। और ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को यदि आपने गुरुवार गुरुवार करना शुरू किया, ज्यादा नहीं, तीन गुरुवार यदि आपने इस उपाय को कर लिया, दोस्तों मैं आपको लिख करके देती हूँ, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो। जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ, यदि अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, जानकारी अच्छी ही है। अब आपको अच्छी ना लगे ये बात में वैसे तो कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कहना कि यदि अच्छी लग जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें, अच्छी जानकारी है, शेयर करना जरूरी है। कोई भी इच्छा जो लंबे समय से पूरी ना हो रही हो, कोई काम जो अटक गया है, कहीं ना कहीं अटक गया है, कहीं ना कहीं आप भटक गए हैं, कितने ऐसे काम होते हैं जो करने की हमारी कैपेसिटी भी होती है। हाँ, हमारी कैपेसिटी ना हो और काम ना हो रहा हो ये अलग बात है, लेकिन हमारी कैपेसिटी है, हम करना चाहते हैं, अरे हम कर भी रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, कोई न कोई ग्रह नक्षत्र कहीं कोई तकलीफ आ रही है बीच में जो काम को होते हुए अटका रही है, आप गुरुवार के दिन एक छोटा सा काम करें, घर से एक पूजा की थाली बनाएं, उसमें हल्दी रखें, आप चाहे तो हल्दी की गांठ रख लें, आप चाहे तो पिसी हुई हल्दी रखें और तीन हल्दी की गांठें अलग से रख लें, बराबर। घी का एक दीपक ले लें और तीन अगरबत्ती ले लें, बराबर। एक धागा ले लें जिसको आपको पीले रंग का करना है, और आप पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाए गुरुवार के दिन। आपको क्या करना है, पीपल के नीचे बैठकर आंखें बंद करके जो भी आपका काम नहीं हो रहा है उसके लिए भगवान को प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरा ये वाला काम अवश्य करें, और उसके बाद में 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को 21 बार आपको बोल देना है। बोलने के बाद आप जो हल्दी लेकर के गए हैं उस हल्दी से तीन बार पीपल के पेड़ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये लिखें। जिन्हें लिखना पढ़ना ना आता हो वे लोग किसी से भी ये लिखवा सकते हैं, और उसके नीचे जो भी आपकी इच्छा है, जो आपका काम नहीं हो रहा है उसे आप लिखें कि मेरा ये वाला काम हो जाए, ठीक है। उसके ऊपर एक बड़ा गोलाकार बना दें। गोलाकार बनाने के बाद आप घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, जहां आपने भगवान का मंत्र लिखा है उस जगह पर आप आरती उतारें, आरती उतारकर पीपल का जो घी का दिया है वो पीपल के पेड़ के नीचे जहां आपने इच्छा लिखी है वहीं पर रख दे, तीनों अगरबत्तियों को वहीं पर लगा दे। लगाने के बाद जो धागा आप पीला लेकर के गए हैं वो धागा हाथ में ले लें और तीनों हल्दी की गांठें ले लें। उसके बाद में आप
तीन फेरी लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बोलते हुए तीन पीपल की फेरी लगानी है, परिक्रमा करनी है। प्रत्येक परिक्रमा में आपको एक धागा लपेट करके आना है, जहाँ दीपक जलता है उसी जगह एक हल्दी की गांठ आपको पीपल के पेड़ पर चढ़ा देनी है, उन्हें अर्पित करनी है और प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु हल्दी स्वीकार करें गुरुवार के दिन, हल्दी स्वीकार करें गुरुवार के दिन और मेरा ये काम प्रभु जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करें। बराबर। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो भी आपका काम है आपको बाद में बोलना है, पहले हल्दी स्वीकार करें गुरुवार के दिन। इस लाइन को तो आपको बराबर रट ही लेना है, तीन बार ही बोलना है तीन परिक्रमा लेकर के। बराबर। इतना करने के बाद आप जल उन्हें अर्पित कर दे हल्दी वाला, जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है तब आप उन्हें जल अर्पित करें। जल आपको जहां आपने दिया लगाया है उसके बाजू में ही खड़े होकर के धीरे धीरे से जल अर्पित कर दे। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर यदि आप गुरुवार के दिन हल्दी से अपनी इच्छा लिखते हैं और तीन हल्दी की गांठें उन्हें अर्पित करते हैं, समझिए आपका काम हो गया। कभी ऐसा होता है किसी कारणवश हम जो क्रिया करते हैं उसको करने में 19-20 हो जाए, कभी कोई क्रिया करने में आपसे कोई गलती भी हो जाए, जैसे आप कभी धागे बांधना भूल गए, हो सकता है आपने जो दीपक जलाया है वो मूंगफली के तेल का जलाया हो, मतलब कोई भी यदि 19-20 कुछ हो जाता है या कोई एक आधी क्रिया बीच में छूट भी जाती है तो उसे ज्यादा माइंड ना करें, बस आप मन से अपनी इच्छा और भगवान का नाम पीपल के पेड़ पर लिखें और जैसे मैंने बताया है कोशिश करें उस टाइप की आप पूरी क्रियाओं को करें। फिर से बता दूं, क्रिया करने में कहीं कुछ 19-20 हो जाता है तो आप उसको माइंड ना करें, बस तीन गुरुवार आप इस क्रिया को रिपीट करें, आप देखेंगे दोस्तों बहुत जल्दी आपका काम, बहुत जल्दी। हाँ, जब भी आप कोई पूजा करते हैं, व्रत अनुष्ठान उपाय करते हैं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, कम से कम उन दिनों में कोई भी ऐसा गलत काम ना करें कि किसी की हाय बद्दुआ आपको लगे और आप जो पुण्य कर्म उपार्जित कर रहे हैं उसमें कमी आ जाए। कहा जाता है जब हम व्रत रखते हैं अनुष्ठान करते हैं कि आज तो हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, कि एक चींटी को भी नहीं मारेंगे, क्योंकि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, हम धर्म का काम कर रहे हैं। तो जब आप हम ऐसे कोई व्रत कोई ऐसे उपाय करते हैं अनुष्ठान करते हैं तब भी हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उपाय को करते रहें और हमेशा हमेशा जय श्री कृष्ण।